ढाबा ही नहीं दिख रहा, दो ढाबा ही दिख रहा सिर्फ। So guys, हम लोग आ गए हैं प्रताप द ढाबा। ये देखिए ये है उसका एम्बियंस। सो गाइस, जैसे आपने देखा हम लोग पहुंच गए थे होटल, एंड पहुंचते ही वो लोग आपको देंगे जलजीरा का पानी, एंड ये भी उनका स्टार्टर होता है, मतलब अनियन उसमें थोड़ा मसाले होते हैं, एंड फ्राइड गार्लिक जो कि काफ़ी टेस्टी होती है खाने में ना, वो फ्री होती है और आप कितने भी बार भी खा सकते हो, मंगा सकते हो। देन हमने मंगाई एक साथ सब कुछ, मतलब स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स सब कुछ एक साथ मंगाया। मैंने मंगाया था मलाई टिक्का, मुझे बहुत पसंद है, देन बटर चिकन, देन हमने मंगाई थी धनिया गार्लिक लहसुन की चिकन जो कि उनका फेमस डिश था, और ये है तंदूरी चिकन। तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। नवीन लोग तो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं तो उनको पता है कि क्या यहाँ पे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। जो धनिया गार्लिक वाली जो ग्रेवी है ना, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर की, कुछ अलग थी, टेस्टी थी, एंड यहाँ के खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और क्वान्टिटी भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, चार लोगों के लिए तो मस्त है। तो इतना ज़्यादा भूख लगा था ना, बिकॉज नवीन लोग तो वैसे भी क्रिकेट खेल के सब आए थे तो उनका तो भूख का कुछ ठिकाना ही नहीं था, तो कंटिन्यूस हम लोग खाए जा रहे थे। एंड देन हम लोग लास्ट कस्टमर थे वो होटल से निकलने के लिए, बिकॉज जब लोग निकले ना इट वाज ऑलमोस्ट 12 o'clock एंड लोग बंद कर ही रहे थे। सो इसलिए हम लोगों ने एक साथ ही ऑर्डर किया क्योंकि उनका जो किचन है वो शट डाउन होने वाला था। गाइस ये देखिए पूर्वी के बिल्डिंग में कितना मस्त रंगोली बनाया कृष्ण राधा कृष्ण, तो उसको चेन वेन में डाला है सब। हाँ वो सब जो है ना नथनी वथनी सब, ये सब रियल गोल्ड का नहीं, आर्टिफिशियल गोल्ड का डाला है। यस हे गाइस, आई नो कि मैं बीच बीच में वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज मुझे ना याद ही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ काम रहता है, तो वीडियो मतलब डेली व्लॉगिंग में नहीं करती ना, सो भी याद ही नहीं रहता। उसके बाद ऐसा लगता है कि अरे यार ये मोमेंट कैप्चर करना चाहिए था। सबको बता दूँ कि आज है नवीन के डैडी का बर्थडे, सो हमने उनको बोला आज आप लोग घर पर इन्वाइट किया है, एंड मैंने बनाया है मेरा फेमस मटन करी एंड राइस। पूर्वी और नवीन गए हुए केक लेके आने, ठीक है। सो यही उनके घर के 5 मिनट से दूरी पे है ना, और एक लेडी है, एक लड़की है जो कि केक बनाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है उनका इंस्टाग्राम हैंडल, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी केक्स बनाती है एंड ऑल्सो हेल्दी, मतलब नो रिफाइंड शुगर एंड नो मैदा वाला, तो वो लोग लेके आने गए। सो अभी टाइम कुछ 9 o'clock के करीब हुआ है, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, चलिए। सो गाइस ये वाली केक है जो हमने मंगाई है, देखिए इसका इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे है, फ़ोन नंबर भी है। ये है कीटो जो कि हम लोग हमेशा मंगाते हैं, कीटो वॉलनट केक। सो गाइस ये है मटन ग्रेवी, लुक एट द कलर, नहीं, और ये है चावल। आपका थोड़ा वीडियो बनाता हूँ, कैसा लगा मटन? अच्छा लगा, ज्यादा खा लिया है? रोटी चाहिए था ना आप बोल रहे हैं? आंटी आपको कैसा लगा? नवीन पूर्वी को पूछने का जरूरत नहीं है, पूर्वी तो चुप चुप के खा रही थी। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं। पूर्वी कैसे खिलू, कैसा लगा बता? सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं मतलब मैं बनाते बहुत अच्छा है ना, इतना जलन है ना, साला चलता है मुझसे मजनू। टॉयलेट बंद कर दे लाइट। मोहन पड़ जरा आ जाओ सब लोग। हैप्पी बर्थडे
आजा क्या हुआ लग गया यहाँ पे पूर्वी कर रही है स्लाइस खुद के लिए ज्यादा लिया इसने The next day. Hello guys, so आज हम लोग फाइनली निकल रहे हैं. टाइम हुआ है 12:30 के करीब. Yes. और आप मेरी हालत देख सकते हो दोनों की. नहीं सागर तो ठीक है. मैं थोड़ा सा मेरा तबियत डाउन है मेरा क्योंकि मेरे को थोड़ा ड्राई कप जैसा हो रहा है. रात को भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मेरे को. होपफुली ठीक हो जाऊंगी थोड़े टाइम में. अभी हम लोग चलते हैं और अभी ऑन द वे हम लोग देखते कुछ लंच ले लेते हैं. मम्मी ने बोला कि तुम लोग लंच करके आओ. मैंने बोला कि नहीं यार. सागर बोला था कि उसका फेमस फेवरेट होटल है वहाँ से कुछ ले लेंगे. लेट्स सी. पूरी पूरी बोल रही थी खा लो. मैंने बोला अभी खाने का मन नहीं कर रहे हैं फिर और लेट हो जाएगा. खा के सब बैठेंगे तो लेट हो जाएगा. मैंने बोला नहीं यार उसका ऑफिस भी है ना वर्क फ्रॉम होम. तो चलिए आगे चलते हैं. और मैंने यहाँ पे मेरा बैग भी ले लिया है फ्रॉम हिल रोड. सो गाइस हम आ गए घर और ये पाव भाजी इधर रेडी. हे गाइस वेलकम बैक. सो गाइस आपने देखा हम लोगों ने पाव भाजी खाई एंड अभी रात हो चुकी है. वीडियो हम लोग बनाना भूल के आके हम लोग सो गए थे दोनों. एंड अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मेरे को याद है कि वीडियो एंड ही नहीं किया. आई होप बोल कभी कभी ना मेरे को ऐसा क्या बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलते बोलते मैं रुक जाती हूँ वर्ड्स नहीं आते. सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने ज़्यादा नहीं निकाला बिकॉज हम लोग है ना बहुत मजे कर रहे थे और हम लोग को याद ही नहीं था कि अरे भाई कैमरा भी ऑन करना है. कभी कभी आप है ना ऐसा लगता है कि यू जस्ट लीव द मोमेंट. कैमरा हम लोग को हमें याद नहीं आता कि भाई लेना है ना. सो इसके लिए काफी मजा आया हम लोग को. 3 दिन मजा आया ना मस्त. या सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू पूफ फॉरएवर. विल बी बैक विद सम अदर वीडियोस. बाय बाय गाइस लव यू ऑल. बाय बाय फ्रॉम अस.